हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज हम ब्राइडल मेकअप का, जो ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप है, उसका पार्ट नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अब हम लोगों ने पिछले हमारे ट्यूटोरियल में बेस के बारे में और आईज़ मेकअप की ब्लेंडिंग के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और इस ट्यूटोरियल में जो है मैं लाइनर का आपको बताऊंगी कि लाइनर आप बिल्कुल आईज़ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके अच्छे तरीके से फिर उसकी एप्लीकेशन करें। बिल्कुल जो आपका आईब्रो का सेंटर वाला आर्च होता है, आप उस जगह से हल्का सा जब अपनी आईज़ को स्ट्रेच करेंगी इस तरीके से, तो ये है कि आपका जो लाइनर है वो बिल्कुल परफेक्ट आपको जो है वो लगेगा। तो आप दोनों आईज़ में सेम इसी मेथड के साथ लाइट सा आईज़ को ऊपर से स्ट्रेच करें और एक शेप आ जाए, बन जाएगी आपकी आईज़ की। और उसके बाद जो है आप लाइनर की एप्लीकेशन करें। और लाइनर जो मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ वो क्रिस्टीन कंपनी का लाइनर है। बहुत इसके ऑसम रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये ड्राई होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से जो है स्टे करता है काफ़ी देर तक। तो मैं बिल्कुल वेट, इसके साथ आप सीलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सीलर के साथ आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट और ज़्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं उसी का ही आपको भी जो है एडवाइस करती हूँ कि आप वही यूज़ करें। तो मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा से यही लाइनर जो है वो यूज़ करती हूँ। और देखिए, मैंने दूसरी आईज़ को भी लाइट सा सेंटर से स्ट्रेच किया है और उसके बाद लाइनर की जो है वो मैंने एप्लीकेशन की है। तो इस तरीके से लगाने से आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपका लाइनर परफेक्ट सेम एक जैसा दोनों तरफ से जो है वो दिखाई देगा और लगेगा। ठीक है, तो मैं अब लाइनर की भी, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, मेकअप में हर चीज़ जो है मायने रखती है ब्लेंडिंग के लिए। तो लाइनर में भी आप लास्ट में जो है वो ब्लेंडिंग जो है वो करें आईज़ की, ताकि आपका लाइनर जो है वो भी शार्प ना लगे, एक लाइन ना लगे, बल्कि वो मच हुआ जो है वो दिखाई दे। और लाइनर के आगे से कॉर्नर को भी अच्छे तरीके से हमने नीट कर लेना है। और गाइस, मैं वाइट पेंसिल इनकी आईज़ के अंदर दूंगी। आप इसमें अपने अगर आप पसंद करते हैं तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कलर्स। और अगर ब्राइडल की आईज़ से कुछ थोड़ा बहुत पानी निकला है तो फिर उसे आप किसी भी बर्ड स्टिक से या स्पंज की मदद से जो है वो बिल्कुल इस तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि काफ़ी आईज़ पे मेकअप है, हैवी लैशेस हैं, डबल लैशेस हैं। बल्कि हमने इनको डबल लैशेस की जो है एप्लीकेशन आपको करना सिखाई है हमने पिछले ट्यूटोरियल में। आज जिन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो लास्ट भी देखिए। अब हमारे पास कंटोरिंग आ जाती है, तो मैं कंटोरिंग किट का नंबर है क्रिस्टीन कंपनी की, हमारे पास कंटोरिंग किट है और इसका नंबर 4 जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत इसमें चॉकलेट ब्राउन शेड्स हैं। तो उसके साथ जो है वो मैं नोज़ की कंटोरिंग करूँगी है, उसके अलावा चिक्स बोन की कंटोरिंग करने वाली हूँ, इसके अलावा जो लाइन पर मैं कंटोर करूँगी। तो मैं जो हमारे पास बिग ब्रश है उसके साथ जो है वो इसकी ब्लेंडिंग करूँगी, ताकि जो हमारी लाइन हमने ब्रश के साथ बनाई है वो बिल्कुल जो है वो स्किन में मच हो जाए और वो अलहदा से लाइंस जो हैं वो नज़र ना आए। क्योंकि हमारी जो ब्राइडल होती है वो ना सिर्फ हमें सामने से यानी दिखाई देती है, बल्कि कैमरास में भी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो ये है कि दोनों तरफ से हमें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जो अपनी ब्राइड का मेकअप करना होता है कि हमें देखने में भी अच्छी लगे और कैमरास का रिजल्ट जो है वो भी अच्छा हो। तो इसलिए हमें फिर उसी मुताबिक मेकअप देना होता है। जैसा कि फोटोशूट के लिए जब हम मेकअप करते हैं तो हम हर एक कलर को बहुत शार्प भी लगा देते हैं, क्योंकि वो कैमरे की आंख में अच्छे दिखाई दे रहे होते हैं, तो उसकी खैर होती है। लेकिन जब हमने लाइव देखना होता है किसी मेकअप को, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मेकअप अच्छा दिखाई दे और शार्प लुक ना दिखाई दे। तो मैं अब ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, तो चिक्स बोन पे मैंने जो है कंटोरिंग लाइन जो है मैंने कंटोर लाइन लगा ली, और उसके ऊपर ही मैं जो है बिल्कुल ब्लश ऑन दूंगी और उसे भी अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करूंगी। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे हाइलाइटर भी मौजूद है, तो मैं ब्लश ऑन के आगे थोड़ा सा हाईलाइट भी करने वाली हूँ, ताकि बहुत जो है फेस जो है थोड़ा सा शाइनी सा दिखाई दे, क्योंकि ग्लो करता फेस जो ब्राइट का काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है।
और मैं इसके जो मेरे ब्लशन हैं, ब्लशन भी के लिए भी मैं क्रिस्टीन कंपनी की ही ब्लशन किट यूज़ कर रही हूँ। अब हमारी चिन का जो एरिया है वो थोड़ा सा बाहर है, तो मैं उसे भी जो है वो थोड़ा सा डेप्थ दूंगी, थोड़ा सा जो जो हमारी जो लाइन है उसको थोड़ी सी मैं डेप्थ दूंगी, ताकि हमारा फेस बिल्कुल जो है वो स्मार्ट हो जाए और जितनी हम हमारी खूबसूरत मॉडल है वो मज़ीद और खूबसूरत दिखाई दे। अब मेरे पास थोड़ा सा शाइन में कलर मौजूद है, ब्लश ऑन शेड है वो, मैं उसे थोड़ा सा जो है फ्रंट पे सिर्फ सा हल्का सा लाइट सा उसको शेड देने वाली हूँ। इस तरीके से मैं उसको शेड दूंगी ताकि मेकअप जो है, देखिए गाइस मैं शिमर को पीछे की तरफ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि पीछे की तरफ जो शिमर जाते हैं वो बहुत बदसूरत दिखाई देता है, इसलिए आपने सिर्फ फ्रंट पे इसको शाइन रखना है, और उसके अलावा जो हमारी चिक बोन के ऊपर हड्डी है उसको भी थोड़ा सा जो है वो शाइन देना है। इस तरीके से आप उसको शाइन दें, क्योंकि ये लाइट्स में या ओरिजिनल में जो है शाइन करता बहुत अच्छा लगता है। हमारे हाईलाइटिंग के कुछ एरियाज होते हैं, क्योंकि कुछ हमारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि वो शाइनर को पकड़ती हैं और पूरे फेस के ऊपर उसको लगा देती हैं, जिससे हमारा फेस जो है, हमारी क्लाइंट का फेस बहुत बदसूरत दिखाई देता है। और शाइनर लगाने से यह है कि फेस बहुत बड़ा और बड़ी एज का इंसान जो है वो दिखाई देने लगता है। तो इसे सॉफ्ट रखने के लिए आपको कुछ जो एरियाज पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे नाइस नोज के सेंटर में, फोरहेड पे, या अपर लिप्स के ऊपर, या चिन के नीचे, इन जगहों पर हम लोगों ने सिर्फ जो है देना होता है हमने हाईलाइटर, ताकि हमारा फेस जो है वो ग्लो भी करे और खूबसूरत भी नजर आए। अब मेरे पास लिप पेंसिल मौजूद है, लिप पेंसिल जो है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी आउटलाइन जो है वो पहले क्रिएट कर लूँगी, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसके अंदर इनको कलर्स देने हैं, और मैं इसके साथ जो है वो रेड कलर की लिपस्टिक जो है वो इन्हें देने वाली हूँ। रेड लिपस्टिक जो है वो मैंने इनके लिप्स में जो है वो अच्छे तरीके से इन्हें लगा लेनी है, और अपनी आउटलाइन को जो है वो बहुत नीट कर लेना है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है लिप ग्लॉस दूंगी। मेरे पास डियाना ऑफ लंदन का लिप ग्लॉस है, बहुत इसका खूबसूरत रिजल्ट है और बहुत देर ये स्टे करता है ब्राइडल मेकअप में। आप इसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत जो है अच्छा दिखाई देता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये मेरे पास डियाना ऑफ लंदन का जो है लिप ग्लॉस है, मैं इसके साथ थोड़ी सी इसकी शेप करूँगी, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ग्लॉस लगा दूंगी, ताकि हमारे लिप्स जो है वो थोड़े शाइन भी करें। और ग्लॉस आप जब भी यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑयली होता है, तो उसको आप सिर्फ लिप्स के सेंटर में ही यूज़ करें, बाकी जगह पे मत फैलाएं, वरना आपकी लिप्स जो है लिपस्टिक जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, बहना शुरू हो जाती है, इसलिए लिप ग्लॉस को आप हमेशा जो है वो सेंटर में ही यूज़ किया करें। और इसके साथ ही मैंने मेरी जो ब्राइडल का जो मेकओवर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। रोलर सेटिंग हम लोगों ने पहले से की हुई है, अब हम थोड़ी सी बालों की सेटिंग करेंगे। तो रोलर सेटिंग करने से ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बैकोमिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो हाइट में आ जाते हैं। तो हमें कोई साइड पफ बनाना हो या हमें बैकोमिन करना हो, तो रोलर सेटिंग करने से ये होता है कि हम इजीली अपने बालों को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट मैंने इकट्ठी की हुई है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उन जैसा कि ये भी मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ही जो है वीडियो बनाया है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।